भावना आप ही बता दो। चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज क्लास। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को सबसे पहले तो। और क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि करण सर आज छुट्टी पर हैं, तो उनकी जगह आज की क्लास मैं लूंगा आपकी, ठीक है? और वो नेक्स्ट क्लास से वही आपको पढ़ाएंगे, ओके? तो आप लोग परेशान ना हो कि करण सर कहाँ चले गए, ओके? वो नेक्स्ट क्लास से वही पढ़ाएंगे, लेकिन आज वो किसी कारण छुट्टी पर चले गए हैं, इसीलिए उनकी जगह आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो पूरी क्लास में आपको कहीं भी डाउट हो, बेहिचक आप अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है? जल्दी से यस टाइप कर दो सभी लोग, अगर सभी को मेरी ये चीज सुनाई दे रही है, सबको क्लियर है ना मेरी आवाज, ठीक है? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा चैप्टर जो कि है संख्या पद्धति, जो कि आपका रिवीजन जो चल रहा था उससे पहले हमारा यही चैप्टर चल रहा था, रिवीजन भी हमने इसी का किया था, लेकिन इसका थोड़ा सा अभी हिस्सा बचा हुआ है, तो वो जो बचा हुआ हिस्सा है उसको आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसको भी खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ डेसिमल्स, यानी दशमलवों का गुणा भाग, ठीक है? अच्छा पहले आप लोग ये बताइए, आप सभी लोग हिंदी मीडियम से है ना, जल्दी से बता दो, ठीक है? ओके, तो आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं की गुणा और भाग। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसको हमें एक बार रिवाइज कर लेना है जल्दी जल्दी से, ठीक है? चलो, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, 2.2 और 1.3 की गुणा कीजिए। क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करें और अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखें, ठीक है? पहले खुद से आप लोग सॉल्व करें इसको अपनी कॉपी में जल्दी से, मैं जिसका नाम लूंगा वो अपनी कॉपी दिखा सकते हैं, ठीक है? जल्दी करिए, 2.2 और 1.3 की गुणा, ठीक है? ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं, 2.2 और 1.3 की गुणा करनी। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ठीक है, 2.86, वेरी गुड। चलो तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है किसी को डाउट हो इसमें तो प्लीज समझे। देखो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि संख्याओं की बिना दशमलव के गुणा करनी है। क्या करना है हमें सबसे पहला काम, कि संख्याओं की बिना दशमलव के गुणा कर देनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भूल जाओ कि संख्याओं में दशमलव है भी, है ना? आप ये चीज भूल जाओ कि संख्याओं में दशमलव है, ओके? सिंपल पहले गुणा करते हैं, 3 × 2 = 6 हुआ और ये 3 × 2 = 6 हुआ, उसके बाद हम ये वाली जगह खाली छोड़ते हैं, 1 × 2 = 2 हुआ और 1 की 2 में गुणा की तो ये भी 2 हुआ, उसके बाद हम इनको जोड़ देंगे, 6, 8, 2। अब सवाल ये उठता है कि सर हमने गुणा तो कर दी, सवाल ये उठता है हम दशमलव कहां लगाएं, है ना? दशमलव मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं या इसके पहले लगाऊं, सवाल ये उठता है दशमलव कहां लगाऊं। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब हमारा क्वेश्चन ही देगा। हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे कितने अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है, कितनी डिजिट से पहले दशमलव डेसिमल लगा हुआ है, ये हम देखेंगे। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूं कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है, एक तो इससे पहले दशमलव लगा है और एक इससे पहले दशमलव लगा है, तो टोटल कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए, 1, 2। समझ में आया? क्या करना है मुझे, ये देखना है कि मेरे क्वेश्चन में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है। तो एक तो 3 से पहले दशमलव लगा हुआ है, 1 2 से पहले दशमलव लगा हुआ है, तो टोटल कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए ना, 2 अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है, तो आंसर में भी 2 अंकों से पहले ही दशमलव आएगा। तो आंसर मेरा क्या था, 286। इसमें 2 अंकों से पहले दशमलव लगाना है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सर 2 अंक मैं यहां से गिनूं, 1 2 यहां लगा दूं, या यहां से गिनूं, 1 2 और यहां लगा दूं। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपको इकाई अंक से गिनना है, ठीक है? ये गलत है, हमेशा इकाई से गिनना है, यूनिट से गिनना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यूनिट से गिनो 2 अंक, यानी इकाई अंक से 2 अंक गिनो, 1
दो, और उससे पहले आ गया दशमलव, तो हमारा आंसर क्या आया यहां पर 2.86। ठीक है, कभी भी गलती से इधर से मत गिनना, हमेशा इकाई अंक से हमें काम करना है, सबसे पहले इकाई ही तो आता है, तो इकाई से शुरुआत करो। ओके बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, बताइए। ठीक है, सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई हमारी संख्याओं की गुणा, तो हमारा आंसर यहां पर क्या आया था, सबसे पहला काम हमने क्या किया, स्टेप वन, दी गई संख्याओं का दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा किया। ठीक है, तो पहले मैंने दशमलव के बिना इनकी गुणा कर दी, तो आया था 286। उसके बाद क्या करना था, प्राप्त गुणा में दाई ओर से दी गई संख्याओं के कुल बराबर संख्या बाद दशमलव लगाएं। इसका मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन में देखो कितने अंकों से पहले दशमलव लगाए, तो दो अंकों से पहले दशमलव लगाए, तो मैं आंसर में भी दो अंक गिनूंगा, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इससे पहले दशमलव आ गया, तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर 2.86। ठीक है, ओके चल आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसकी गुणा करके दिखाइए, 3.57 की 1.6 में गुणा करनी है, जल्दी करें सभी लोग अपनी कॉपी में, और मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं, जल्दी से कॉपी में करना है, सभी को, सभी बच्चों को कॉपी में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस, 3.57 और 1.6 की गुणा करनी है, यस, ओके, एक बच्चे का आंसर आया है, वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर दें, 5.712, अमित कुमार नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया है, सविता सोनू नाम से जो स्टूडेंट है इनका आंसर आया है, सोनू अलवारिया नाम से जो स्टूडेंट है इनका आंसर आया है। चलो, तो कॉपी कौन दिखाएगा, अपनी हैंड रेज करो, जल्दी से हैंड रेज करो, जो अपनी कॉपी दिखाए, नोटबुक जो दिखाना चाहता है, जो भी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं हैंड रेज करिए। ठीक है, नेहा रानी नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने किया क्वेश्चन सॉल्व, नेहा रानी नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है, प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कहां सॉल्व किया क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट सोनू अलवारिया नाम से जो स्टूडेंट हैं, ओके, एक मिनट, दिखाइए अपनी कॉपी, दोबारा से कैमरा ऑन करिए प्लीज, सोनू अलवारिया नाम से जो स्टूडेंट है, दोबारा से कैमरा ऑन करें, ओके, ओके, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट अपनी कॉपी मुझे दिखाएंगे, बनवारी लाल नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए, दिखाइए अपनी कॉपी, आपका नाम, हाँ जी, ओके, भावना आप दिखाइए अपनी कॉपी, बच्चों कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सभी को, प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा भावना, आपके वीडियो जो है वो काफी रुक रही है, ओके, ठीक है, वेरी गुड भावना, वेरी गुड, ओके नीतीश, वेरी गुड नीतीश, चलो ठीक है, तो सभी को मैं दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सभी को क्वेश्चंस अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं, अगर आपको सीखना है मैथ तो उसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने होंगे, अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको नहीं सीख पाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को करना है अपनी कॉपी में, मैं दोबारा से चेक करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि बिना दशमलव के इनकी गुणा कर लो, ठीक है। 6 × 7 = 42 हुआ, हासिल में 4 गया। 6 × 5 = 30 और 4 = 34, हासिल में 3 गया। 6 × 3 = 18 और 3 = 21। इसके बाद 1 की गुणा करेंगे, 1 × 7 = 7, 1 × 5 = 5 और 1 = 3। इनको अब मैं यहां पर जोड़ दूंगा, तो यहां पर बचा 2, 7 × 4 = 11, हासिल में 1, 1 और 1 = 2 और 5 = 7 और 3 और 2 = 5। तो इतना काम तो हमारा हो चुका है, ठीक है। जो हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना था वो तो हमने कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि सर दशमलव कहां लगाएं, है ना। सवाल ये उठता है कि दशमलव कहां पर लगाते हैं हम, यहां मैं यहां लगाऊं या यहां पर लगाऊं या यहां पर लगाऊं या यहां पर लगाऊं, कहां पर लगाऊं। तो इसका जवाब कौन देगा, हमारा क्वेश्चन हमें देगा। हम अपने क्वेश्चन के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि भाई मैं दशमलव कहां लगाऊं। तो जो मेरा सवाल है वही मुझे बताएगा कि जितने अंकों से पहले सवाल में लगा है उतने अंकों से पहले लगा दो। तो सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है, एक तो 6 से पहले लगा है और 7, 5 उससे पहले लगा है। तो टोटल कितने अंक हो गए, 1, 2, 3। टोटल कितने अंक हो गए, 1, 2, 3। 3 अंकों से पहले दशमलव लगा है तो मैं अपने आंसर में भी 3 अंक गिनूंगा। कहां से, इकाई से, 1, 2, 3, और उससे पहले लगा दूंगा एक अच्छा सा दशमलव। तो मेरा आंसर यहां पर क्या आया, 5.712। क्या आंसर आया यहां पर, 5.712, ठीक है। बताओ ये चीज सभी को समझ में आई, कोई डाउट कहीं पर बताइए, कोई डाउट किसी को। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो सभी लोग, जल्दी से जल्दी से। वेरी गुड, चलिए। तो इस तरीके से अब हमने गुणा करना सीख लिया है, हालांकि आपको पहले से आता होगा, हमने एक बार रिवाइज कर लिया है, मैं ये कहना चाहूंगा। सीख तो आपने पहले रखा ही है, ठीक है। हाँ, जिनको कोई डाउट है वो प्लीज जरूर पूछ लेना, क्योंकि अगर अभी नहीं सीखोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सारा खेल दशमलव का है, तो दशमलव कहां पर लगानी है ये बहुत जरूरी है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से करो। 4.778 और 1000 की गुणा कीजिए, 4.778 की गुणा करनी है 1000 में। इस बार सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। चलिए करिए, पहले आप लोग करिए, जो भी तरीका आपको आता है करने का उससे इसको सॉल्व करें जल्दी से। सभी लोग कॉपी में, मैं कॉपी चेक करूंगा, सभी लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जल्दी करें, आपको मैं दे रहा हूं 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट आपके पास। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर मैं कॉपी चेक करूंगा सभी की। जल्दी से जल्दी सभी लोग प्लीज, जब तक मैं ना कहूं तब तक कैमरा ऑन मत करो प्लीज। बनवारी लाल नाम से जो स्टूडेंट है, अभी बंद रखो कैमरा प्लीज, ठीक है। जब मैं कहूं तब ऑन करना कैमरा। कर लिया सभी ने, ओके। चलो एक एक करके चेक करते हैं सभी बच्चों के। सबसे पहले अमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपनी कॉपी दिखाइए। अमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, हाँ जी, कैसे किया आपने, ओके, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट बनवारी लाल नाम से जो स्टूडेंट, अच्छा आप बताना चाहते हैं, चलिए बताइए। अमित कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप बताना चाहते हैं तो बताइए। सर 4.778 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से और 0 लग गई सर, फिर हमने ये जो 100 था इसकी 0 से 0 काट दी और सर जो आंसर आ गया हमारा। अच्छा ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट, ओके गुड,
बनवारी लाल नाम से जो स्टूडेंट है आप दिखाइए अपनी कॉपी। स्टूडेंट्स जिनका मैं नाम लूं प्लीज वही कॉपी दिखाएं जिनका मैं नाम लूं, सबका नाम लूंगा मैं, चिंता मत करो, बारी बारी से। अच्छा ये वाला क्वेश्चन दिखाइए कहां सॉल्व किया है। ओके ओके आपने डेसिमल कहां लगाया है एक बार जरा दिखाएंगे दोबारा से। चलो ठीक है कोई बात नहीं। ओके गुड गुड नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाएंगे नेहा रानी नाम से जो स्टूडेंट है आप दिखाइए अपनी कॉपी। नेहा रानी नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए कैसे किया आपने क्वेश्चन सॉल्व। ओके वेरी गुड वेरी गुड, ये तरीका भी काफी अच्छा है करने का। ओके नेहा रानी नाम से हो गए हैं। भावना भावना आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके यस ये तरीका भी अच्छा है वेरी गुड भावना। इसके बाद नीतीश नीतीश ओके नीतीश वेरी गुड एक्सीलेंट वेरी गुड। इसके बाद सोनू अलवारिया नाम से जो स्टूडेंट है आप दिखाइए। सोनू अलवारिया नाम से जो स्टूडेंट है प्लीज। ओके ठीक है ये तरीका भी ठीक है लेकिन इसमें आपने काफी लंबी चौड़ी गुणा हमें करनी पड़ती है, गलत नहीं है ठीक है गुड गुड। उदय कुमार नाम से जो स्टूडेंट है आप दिखाइए अपनी कॉपी। उदय कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए। देखिए बाकी सबने दिखा दी है बस ये लास्ट बचे हैं तो इनकी कॉपी और चेक कर लेते हैं नोटबुक। उदय कुमार नाम से जो स्टूडेंट है प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। सर कैमरा खराब है। कैमरा खराब है अच्छा ऐसे बता दीजिए कैसे सॉल्व किया आपका आंसर क्या आया क्या आंसर आया आपका आंसर बताइए। हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं। चलो तो काफी बच्चों ने मतलब सभी बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, सबका तरीका अलग अलग था करने का लेकिन सबके तरीके एकदम सही थे ठीक है। तो कुछ बच्चों ने इसको ऐसे सॉल्व किया है कि सबसे पहले उन्होंने दशमलव को हटाया जो कि बहुत अच्छा किया। जैसे ही उन्होंने दशमलव को हटाया नीचे आया एक, अब दशमलव के बाद जितने अंक हैं एक दो तीन उतनी जीरो लगा दी तो ये बन गया मेरा 4778 बटे 1000 गुणा 1000 और 1000 से 1000 कट गया तो आंसर आया 4748 ठीक है। ये तरीका भी एकदम सही है ठीक है। कुछ बच्चों ने ऐसे किया कि उन्होंने डायरेक्ट यहां से दशमलव हटा दिया और सीधा लिख दिया 4748। कुछ बच्चों ने ऐसे किया है कि इसकी गुणा की है। गुणा कैसे की है पूरी गुणा करके उन्होंने इसको सॉल्व किया है तो वो भी मैं बता देता हूं 4778 की 1000 में गुणा की ठीक है। कर सकते हो लेकिन ये प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है ना करके देख लो आप। जीरो की 8 में गुणा करोगे तो 0, 7 में करोगे तो 0, फिर 7 में करोगे तो 0, फिर 4 में 0 ठीक है, फिर दोबारा से 4 0 आ जाएंगी, फिर दोबारा से 4 0 आ जाएंगी ठीक है, फिर लास्ट में जाके आएगा 1 की 8 में गुणा की 7 में, 7 में और 4 में, तब जाके आपके पास आया 0 0 0 8 7 7 4 ठीक है। अब आप गिनोगे कितने अंकों से पहले दशमलव है, 3 अंकों से पहले दशमलव है तो 3 यहां पर दशमलव आ गया और हमारा आंसर आया 4778। देखो ये तरीका एकदम ठीक है लेकिन ये काफी लंबा है ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप हमेशा याद रखना जब भी आप किसी दशमलव संख्या की 100 से है ना या 10 से या 1000 से या 10000 से गुणा कर रहे हो है ना, आगे चलता रहेगा 1 लाख 10 लाख है ना 1 करोड़ 10 करोड़,
यानी एक तो एक आ रहा हो और उसके साथ जीरो आ रही है। तो जब भी आप किसी दशमलव संख्या की ऐसी किसी संख्या के साथ गुणा कर रहे हो, जो संख्या कैसी हो, या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो या 1,00,000 हो या 10,00,000 हो, तो आप क्या करो, सिंपल गिन लो कितनी जीरो है, कितनी जीरो है, 1, 2, 3, कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो ये दशमलव उतना ही आगे खिसक जाएगा, कितना आगे, 3 अंक आगे, और कहां, दाईं ओर, खिसकेगा किस तरफ, दाईं ओर, यानी राइट साइड में, राइट हैंड साइड, ठीक है। कितनी जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो दशमलव आगे चला जाएगा 3 अंक आगे, यानी 1, 2, 3 इसके आगे आ जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 4,778 दशमलव। अब दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो मतलब जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर, 4,778, ठीक है, ये आया समझ में। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी तरीके को यूज करो, बिल्कुल नहीं कह रहा, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, सभी बच्चों ने अलग अलग तरीकों से किया है, जिसको जैसे समझ में आया आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका आपको समझ में आया, बताओ, जितनी जीरो होती है दशमलव दाईं ओर चला जाता है उतने ही अंक, 3 जीरो है तो 3 अंक आगे चला जाएगा, 4 जीरो है तो 4 अंक आगे चला जाएगा, ठीक है। और एक तरीका वो भी बहुत अच्छा था जो एक बच्चे ने किया था अभी, उन्होंने क्या किया था, 4.778 गुना 1000 था, तो आप दशमलव यहां से हटाओ और दशमलव के बाद जितने अंक है नीचे उतनी जीरो आ जाती, ठीक है, और यहां पर हम फिर 1000 से 1000 काट सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आया, 4,778। ये भी बेस्ट है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, हाँ अगर गुणा करना करके करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा तरीका हो जाता है, ठीक है। बताओ आया समझ में सभी को, अगर सबको समझ में आ गया है तो सभी लोग अब मुझे बताएंगे, बिना गुणा करे बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही 4.7 की गुणा अगर मैं 10 में कर दूं तो क्या आएगा, 4.7 की 10 में गुणा कर दूं तो क्या आएगा, 47, वेरी गुड, 47। तो कितनी जीरो है इसमें, 1 जीरो है, तो दशमलव 1 अंक आगे खिसक जाएगा, यानी दाईं ओर चला जाएगा, तो ये 7 के आगे आ गया, ठीक है। अब दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो मतलब जीरो लगा सकता हूं, तो मैं आंसर क्या आया, 47। या ऐसे कर लो, 4.7 × 10 था तो दशमलव काटा नीचे बन गया 10, 10 से 10 कट गया तो यहां आ गया 47, ठीक है। जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। चलो अब अगर मैं आपसे कहूं 4.7 की गुणा करो 100 में, 4.7 की गुणा करो 100 में, तो क्या आंसर आएगा, चार सौ सत्तर, ओके नीतीश का आंसर आया 470, बाकी लोग बताओ, वेरी गुड, यस। तो मैं यहां पर क्या गिनूंगा, कितनी जीरो है, कितनी जीरो है यहां पर, 2 जीरो है, 1, 2, तो दशमलव क्या करेगा, आगे चला जाएगा 2 अंक, लेकिन 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 सर 4.7 में दशमलव के बाद तो 1 ही अंक है, और आप कह रहे हो कि 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक दाईं ओर चला जाएगा, लेकिन इसके आगे तो 1 ही अंक है, तो मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, अगर 1 अंक है मैं यहां पर 1 जीरो लगा देता हूं। मैंने यहां पर 0 क्यों लगाई, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता, दशमलव के बाद अंत में, है ना, दशमलव के बाद किसी संख्या के अंत में अगर 0 है, किसी संख्या के अंत में अगर 0 है तो उस 0 का कुछ मान नहीं होता, कुछ वैल्यू नहीं होती उसकी, ठीक है। यानी 4.7 और 4.70 दोनों बराबर हैं, ये चीज सबको पता है ना, कि अगर मैं किसी दशमलव संख्या के अंत में 0 लगा दूं तो उससे उस संख्या पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे आप 4.7 को 4.700000 लिख लो, ये रहेगा 4.7। जब आप दुकान पर जाते हो, जब आप शॉप पर जाते हो, आपने कुछ सामान लिया, है ना, मानो आपने एक चॉकलेट ली 20 रुपए की,
जब आप उससे कुछ सामान लेते हो तो उस पर प्राइस कैसे लिखा होता है? 20.00 रुपीज। तो आप उसको पैसे कितने देते हो दुकान वाले को? 20 रुपए ही तो देते हो शॉप पर। शॉप पर कितने पैसे देते हो? 20 रुपए ही तो देते हो। ये 0.00 का तो कुछ मान ही नहीं है, है ना। आप कोई बिस्किट लेने जाओ उस पर 5.00 ऐसे लिखा रहेगा। तो ये दशमलव के बाद जो जीरो लगी है ये बेकार है, ठीक है। और अगर अंत में ये जीरो अंत में लगी होनी चाहिए किसी भी संख्या के, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते अगर लिखा हुआ है 4.07, मान लो ये लिखा है 4.07, तो ये इस जीरो की वैल्यू है, इस जीरो को आप नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि ये जीरो क्या है? अंत में नहीं है, सात से पहले आ रही, ठीक है। तो ये छोटा सा अंतर है जो मैं आपको बताना चाहता था, हो सकता है आपको पहले से पता भी हो। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक जीरो लगा दिया अपनी तरफ से, क्योंकि दशमलव के बाद किसी संख्या के अंत में अगर जीरो आ रही है तो वो उसका कुछ मान नहीं होता, ठीक है। तो ये बन गया 4.70। अब दो जीरो है तो दशमलव दो अंक आ गए, यानी उठकर यहां चला जाएगा, तो ये क्या बन गया? 470, ठीक है। आया सबको समझ में कैसे करना है? बताइए, किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज डाउट पूछ लेना। सबको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल है, पोल में करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। 5.13 की 13.6 में गुणा करनी है, ठीक है। 5.13 की 13.6 में गुणा करनी है, पोल में आंसर करना है सभी बच्चों को, करिए। यस, हाँ जी करिए सभी लोग। पोल आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है, जितने ही बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। जल्दी करें सभी लोग, एक मिनट है आपके पास, जो लोग बच गए हैं। हाँ जी, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो यहां पर मुझे 5.13 और 13.6 की गुणा करनी, ठीक है। 5.13 और 13.6 की गुणा करनी थी, तो सबसे पहला काम तो मैं यही करूंगा कि बिना दशमलव के इन संख्याओं की गुणा कर लूंगा। तो 6 3 18, हासिल में 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 5 30।
ठीक है। इसके बाद इस तीन की गुणा की, तीन तीन नौ, तीन एकम तीन, तीन पंजे पंद्रह, ओके बहुत अच्छे। इसके बाद एक की गुणा की, एक तीन तीन, एक एकम एक और एक पंजे पांच, वेरी गुड। चलो अब इनको हम जोड़ देते हैं, तो ये आठ ऐसे का ऐसे ही आया, नौ और सात सोलह, हासिल में एक, तीन और एक चार और तीन सात, पांच और तीन आठ और एक नौ, और पांच और एक छह। अब दशमलव कहां लगेगा, दशमलव कहां लगेगा, हम अपने सवाल में देखेंगे कि कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है। तो एक तो छह से पहले दशमलव लगा है और एक तीन और एक से पहले दशमलव लगा है, तो टोटल कितने अंक हो गए, एक दो तीन, ठीक है बहुत अच्छे। तो मैं तीन अंक गिन लेता हूं इकाई से, तो एक दो तीन, इससे पहले आ गया दशमलव, तो मेरा आंसर क्या आया, 69.768, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बताओ सबको क्लियर है, सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, वेरी गुड। चलो अगला सवाल करते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको करिए, इसको करिए सभी लोग, आंसर पोल में करना है सभी को। छह दशमलव तीन छह सात की एक हजार में गुणा करनी है, छह दशमलव तीन छह सात की गुणा किस में करनी है, एक हजार में, करिए करें सभी लोग। पोल में आंसर करना है सभी बच्चों को, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, यस। चलिए लास्ट फाइव सेकेंड्स, फाइव फोर थ्री टू वन, ओके यस। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी जीरो होती हैं दशमलव दाईं ओर उतना खिसक जाता है ना। तो इसमें कितनी जीरो हैं, एक दो तीन, तो दशमलव दाईं ओर, ठीक है, छह दशमलव तीन छह सात गुणा एक हजार था, एक हजार में कितनी जीरो हैं, एक दो तीन, तो दशमलव दाईं ओर खिसक जाएगा कितना, तीन अंक। तो एक दो तीन यहां से कूद कर दशमलव यहां आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया, सिर्फ 6367 दशमलव यहां आ गया, उसके बाद आप जीरो लगा दो, ठीक है, तो ये क्या बन गया, 6367, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कुछ मान नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। बताओ समझ आया, क्लियर है सभी को, बताइए जल्दी, वेरी गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिवीजन यानी भाग की, ठीक है, कैसे हम दशमलव को भाग करते हैं। तो पहले आप करिए इसको, एक दशमलव छह को दो से भाग करना है, अपनी कॉपी में करें सभी लोग, जल्दी करें, कैसे करेंगे भाग, क्या आंसर आएगा, हाँ जी करिए। यस ओके, नीतीश का आंसर आ गया है, बाकी लोग बताएं, उदय कुमार नाम से स्टूडेंट है, चलिए इस बार अपनी कॉपी दिखा दो भाई, उदय कुमार नाम से स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखा दो कैसे किया सॉल्व। अच्छा आपका कैमरा ठीक नहीं है, चलो माइक ऑन करके बता दो कैसे किया सॉल्व। अच्छा नीतीश आप अपना कैमरा बंद रखे हैं अभी, उदय कुमार नाम से स्टूडेंट है, आपने आंसर दिया है 0.8, 0.8, कैसे, मैं जानना चाहता हूं कैसे किया आपने सॉल्व, प्लीज माइक ऑन करें पहले आप अपना, चलो कौन कौन बताएगा, अपने हैंड रेज करो, कौन बताएगा कैसे किया सॉल्व, माइक ऑन करके बताना है,
बताइए कौन बताया। हाँ जी नीतीश आप बताएंगे, ठीक है नीतीश बताइए। मतलब एक जीरो देगा। अच्छा चलो देखो मैं बताता हूं, सबसे पहला काम आप क्या किया करो, जब भी आपको भाग करना हो दशमलव संख्याओं को, सबसे पहले जो ये दशमलव लगी है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये कोशिश किया करो कि दशमलव में हटा लो। अभी दशमलव कैसे हटेगी, तो दशमलव हटाने का तरीका क्या है कि दशमलव के हटाओ, दशमलव के बाद कितने अंक है, ठीक है दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है तो नीचे एक जीरो लग जाएगी, तो ये क्या बन गया 16/20। समझ में आया, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं नीचे उतनी जीरो लगा दो, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो मैंने नीचे लगा दी, तो ये बन गया 16/20। इसके बाद अब मैं 16 और 20 को किससे भाग कर सकता हूं, सरल करना आपको आता है, भिन्नों को, एक तरीके की क्या है भिन्न है, भिन्न है, भिन्न को सरल करने का मतलब क्या होता है कि अंश और हर को किसी एक संख्या से भाग कर देना। तो 16 और 20 किससे भाग हो सकते हैं, 2 से, ठीक है 4 से भी हो सकते हैं, तो पहले मैं 2 से करता हूं, 2 8 16, 2 2 20, अब ये आ गया मेरे पास 8/10। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हम किसी संख्या को, मैंने माना लिखा 4.5 × 10, जब मैं किसी संख्या को 100 लिख देता हूं, यहां 10 लिख देता हूं, से भाग कर रहा हूं, तो दशमलव कहां जाता है, कहां जाता है, दाईं ओर जाता है, सॉरी गुणा कर रहा हूं, जब मैं किसी संख्या को 10 से 100 से या 1000 से गुणा कर रहा हूं तो दशमलव कहां जाता है, दाईं ओर जाता है, कितनी दाईं ओर जाता है, जितनी हमारी जीरो होती है, यही मैंने बताया था। पहले बताओ ये वाली लाइन सबको क्लियर है, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ ये वाली लाइन सबको क्लियर है, जब मैं किसी संख्या को 10 से 100 से या 1000 से या 10000 से गुणा करता हूं तो जितनी जीरो होती है दशमलव उतना ही दाईं ओर चला जाता है। अब अगर मैं कहूं 4.5/10, यहां पर मैंने गुणा की, यहां पर मैंने भाग की, तो यहां पर क्या होगा, दशमलव बाईं ओर जाएगा, कितना बाईं ओर जाएगा, जितनी जीरो होगी, जब गुणा कर रहा था तो दशमलव कहां जा रहा था, दाईं ओर, राइट हैंड साइड में जा रहा था, राइट साइड में, सीधे हाथ की तरफ, दाईं ओर का मतलब होता है सीधा हाथ, ठीक है सीधा, बाईं का मतलब होता है उल्टा यानी लेफ्ट। तो जब मैं गुणा कर रहा था 10 की 100 की 1000 की तो दशमलव दाईं ओर जा रहा था, सीधे हाथ पर जा रहा था, लेकिन जब मैं भाग करता हूं तो दशमलव बाईं ओर जाता है। अंतर समझ रहे हो, क्या अंतर है, जब किसी संख्या को गुणा करो 10 से 100 से या 1000 से और जब किसी संख्या को भाग करो 10 से 100 से या 1000 से, बताओ ये चीज सबको समझ में आई, बताओ जल्दी से, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। जब गुणा करते हैं तो दाईं ओर चला जाता है दशमलव, और जब भाग करते हैं तो दशमलव बाईं ओर जाता है, ठीक है इसी तरीके का ये अब 8/10 है ना, क्या है यहां पर 8/10, तो आप ये बताओ क्या मैं 8/10 को 8.0/10 लिख सकता हूं, क्या मैं 8/10 को 8.0/10 लिख सकता हूं, क्या मैं 8 को 8.0 लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या मैं 8 को 8.0 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। अच्छा नीतीश बोल रहे हैं नहीं लिख सकते, बाकी लोग बताइए, क्या मैं 8 को, सर 8.0 हो सकता है। वही मैं बोल रहा हूं, क्या मैं 8 को 8.0 लिख सकता हूं, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है बराबर, सोचो, जब आप दुकान पर कोई सामान लेने जाते हो और वो 8 रुपए का सामान है तो उस पर प्राइस कितना लिखा होता है, 8.00, आप इसको क्या पढ़ते हो, आप इसको क्या पढ़ते हो, 8 रुपए पढ़ते हो ना, क्यों पढ़ते हो 8 रुपए, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो क्या है, बेकार है, तो इसी तरीके से इसमें भी तो 8 के बाद दशमलव के बाद जीरो आ रही, तो ये बेकार है, तो मैं 8 को 8.0 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना, ये बताओ 8 को मैं 8.0 क्यों नहीं लिख सकता, दशमलव के बाद जीरो बेकार होती है, तो ये है तो 8 ही,
बताइए, समझ आया? ठीक है, तो अगर कोई संख्या है मेरे पास, मान लो मैं 20 कहूं, तो मैं 20 को क्या लिख सकता हूं, 20.0 भी लिख सकता हूं, 20.000, कितनी जीरो लगा लो, ये रहेगा क्या, ये क्या रहेगा, ये 20 ही रहेगा, ये क्या रहेगा, ये भी 20 ही रहेगा, ये क्या रहेगा, ये भी 20 ही रहेगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो बेकार है। ठीक है, लेकिन वो एक चीज ध्यान रखना, वो अंत में लगी होनी चाहिए, दशमलव के बाद जीरो बेकार है कब, जब वो किसी संख्या के अंत में लगी। ठीक है, चलो अब बताओ लिख सकता हूं ना, क्या मैं 8 को 8.0 लिख सकता हूं, अब बताओ, अब भी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता हो कि सर नहीं लिख सकते, तो प्लीज बता देना, लिख सकता हूं ना। ठीक है, चलो मैंने अभी अभी बताया था कि जब हम किसी संख्या को 10 से या 100 से या 1000 से भाग करते हैं, तो दशमलव जितनी जीरो होता है उतनी ही बाईं ओर चला जाता है, तो नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो दशमलव एक अंक बाईं ओर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया, 0.80 या 0 या 0.8, क्योंकि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो लगी है तो हम उसको हटा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0.80 क्या बन गया है, 0.8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 0.8, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.8 भी लिख सकते हो। आया समझ में कैसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन, बताओ? तो ये जो मैंने सारी कहानी बताई है ना, ये इसलिए बताई है कि अगर आप किसी संख्या को 10 से 100 से 1000 से भाग कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, दशमलव को खिसकाना होता है बाईं ओर। अब क्योंकि इसमें दशमलव नहीं था, 8 के 8 में कहीं भी दशमलव नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको दशमलव में बदल दिया। दशमलव में कैसे बदल दिया, मैंने 8 को लिख दिया 8.0, अब मेरे पास दशमलव आ गया, तो जितनी जीरो है दशमलव उतना बाईं ओर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया, 0.8। ठीक है, बताओ समझ आया सभी को, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, चलो ये चीज सबको समझ में आ गई है, तो इसका आंसर क्या आएगा यहां पर, 0.8। चलो इसको सॉल्व करें सभी लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, 193.6/11 करिए, क्या आंसर आएगा, सभी लोग चैट में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, 193.6/11। यस, हाँ जी, तो सबसे पहला काम आपको वही करना है, इस दशमलव को हटाना है। ठीक है, इस दशमलव को हटाना है, तो आप क्या करोगे, दशमलव यहां से हटाओगे, दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे एक जीरो आ गया, तो ये बन गया 1936/110। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है, किससे काट सकते हो इसको, सरल करना तो आता ही होगा भिन्नों को, है ना, इसको यहां से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका यह है कि आप इसको 110 से भाग दे लो, जो कि थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि 110 को 11×10 में तोड़ दो, फिर सॉल्व करो। ठीक है, एक तरीका यह है कि इसको थोड़ा यहीं पे सरल कर लो। सरल कैसे कर सकते हो, आप देखो 1936 और 110 किससे कट सकते हैं, 11 से भाग हो जाएंगे ना दोनों, 11 से अगर मैं इसे भाग करूंगा तो 11×110 हुआ, 11×110, तो यहां पर 10 आया, और 11 से जब इसको भाग करेंगे 1936 को, करके अब दिखा देता हूं मैं, तो यहां से आएगा 11×1=11, 9 में से 1 गया 8, यहां से 3 उतारा, 11×7=77, ठीक है, यहां पर बचा 6, यहां से 6 उतारा, और 11×6=66, ठीक है, तो जब मैंने इसको 11 से भाग दिया तो क्या आया, 176, तो ये मेरा क्या बन गया है, 176/10। बताओ यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई डाउट किसी को, जल्दी यहां तक कोई डाउट
यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो। मैंने क्या किया है, दोनों को 11 से काट दिया, ऊपर भी नीचे भी। अब मैंने अभी क्या 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 बताया था कि जितनी जीरो होती है उतना दशमलव बाईं ओर आ जाता है, तो मैं 176 को 176.0 लिख लूं, लिख सकता हूं 176 को 176.0 लिख सकता हूं ना। अभी बताया था क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो बेकार है, ये वाली जीरो इस दशमलव के बाद बेकार है, ठीक है, बटे में 10 है। अब नीचे जितनी जीरो है दशमलव उतना बाईं ओर जाएगा, यानी थोड़ा एक अंक बाईं ओर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया 17.6। तो मेरा आंसर क्या आया 17.6। हुआ क्लियर सभी को, बताइए सभी को समझ में आ गया है जल्दी? ओके वेरी गुड, जल्दी बताएं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या आएगा 17.6। चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, 189.6 को भाग करना है 12 से, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला कराया था, बस आपको थोड़ा सोचना है। अगर आपने ध्यान से समझा है पिछले वाला क्वेश्चन तो आप आराम से इसको कर दोगे, ठीक है। पोल में आंसर करना है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, एक 189.6 को भाग करना है 12 से, करें सभी लोग। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड, आपकी क्लास बहुत इंटेलिजेंट है, आप सभी बच्चे काफी इंटेलिजेंट हैं, काफी अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं, काफी अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, गुड वेरी गुड। और पोल में भी आंसर सभी लोग कर रहे हैं, ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे इस क्लास की कि पोल में आप लोग एक्टिव हैं, वेरी गुड। चलो एक स्टूडेंट और बचे हैं, एक स्टूडेंट और बचे हैं, 15 सेकंड और मैं दे रहा हूं, जो एक स्टूडेंट बचे हैं आंसर देने में अभी, प्लीज जल्दी करें, जो बच गए हैं 15 सेकंड है आपके पास, वेरी गुड। बाकी लोगों का एकदम सही आंसर है, सबने एकदम सही किया है, चलो लास्ट 5 सेकंड्स, 5, अच्छा आ गया है आंसर, ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। तो वही काम हमें करना था, यहां पर कुछ अलग नहीं करना था, 189.6 को भाग देना था 12 से। सबसे पहला काम दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगाओ, ये बन गया है अब 1896/120। अब ये किससे कट जाएगा, 12 से, किससे कट जाएगा ये 12 से, कैसे कटेगा ध्यान से देखो, 12 धाम तो 120 हो गए, ठीक है, और जब आप 1896 को 12 से भाग करोगे तो 12 एकम 12, ठीक है, 8 में से 2 गया 6 बचे, यहां पर 9, 12 पंजे 60, यहां पर 9 बचा, यहां से 6 उतारा और 12 अट्ठे 96, ठीक है, तो क्या आया 158, यानी इसको 12 से जब मैं भाग दूंगा तो आएगा 158, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब 158 को मुझे 10 से भाग करना है, 158 को 10 से भाग करना है, तो फिर से वही काम करूंगा मैं, 158 को मैंने लिखा 158.0/10, अब नीचे एक जीरो है तो दशमलव एक अंक बाईं ओर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया 15.80 या 15.8,
क्योंकि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो आ रहा है तो वो बेकार है, उसको मैं हटा सकता हूं। तो मेरा आंसर आया है 15.8 ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 15.8। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करेंगे सभी लोग। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मान लो ऊपर भी दशमलव है 1.9 बटे नीचे भी दशमलव है 1.50। किसी संख्या में ऊपर भी दशमलव है और नीचे भी दशमलव है तो हम क्या करें सर? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये देखना है कि दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है वो क्या बराबर है ऊपर और नीचे। जैसे यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक अंक है। यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दो अंक है। तो ये अंकों की संख्या बराबर नहीं है, ऊपर एक अंक है नीचे दो अंक है। कहां? दशमलव के बाद। दशमलव के बाद ऊपर एक अंक है नीचे दो अंक है, दो अंक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले यहां पर जीरो लिखा हुआ था ना, ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले अंकों की संख्या को बराबर कर लूंगा। बराबर कैसे करूंगा? मैं ऊपर भी अपनी तरफ से एक जीरो लगा दूंगा। अब ऊपर भी दशमलव के बाद दो अंक हैं, नीचे भी दशमलव के बाद दो अंक हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, दशमलव से दशमलव को काट सकता हूं। तो दशमलव से दशमलव तभी कटता है जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं। मैंने लिखा 1.95 बटे 1.44 और मैंने लिखा 1.9 बटे 1.44। तो यहां पर मैं दशमलव से दशमलव आसानी से काट सकता हूं क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक ऊपर भी हैं और दो ही अंक नीचे हैं, तो मैं दशमलव से दशमलव हटा दूंगा। लेकिन यहां पर दशमलव के बाद एक अंक है और इसमें दशमलव के बाद दो अंक है, इसलिए मैं दशमलव से दशमलव नहीं काट सकता, मैं पहले अंकों की संख्या को बराबर करूंगा। ठीक है, ऊपर भी मैं दशमलव के बाद दो अंक कर लूंगा। वो कैसे करूंगा? मैंने अपनी तरफ से यहां पर एक जीरो लगा दी। अब ऊपर भी दशमलव के बाद दो अंक हैं और नीचे भी दशमलव के बाद दो अंक हैं, तो मैं दशमलव से दशमलव आराम से काट सकता हूं। ये बन गया मेरा 190/144। तो ये चीज समझ में आई कि अगर ऊपर भी दशमलव हो और नीचे भी दशमलव हो तो हम कैसे दशमलव से दशमलव काटते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का एक सवाल है आपके लिए, 8.64 को 0.24 से भाग करना है। ठीक है, करिए, पोल में आंसर करना है सभी को। यस, करिए सभी लोग। हाँ जी, ओके, ओके, सभी लोग आंसर करें जल्दी से, एक मिनट है आपके पास पूरा, और इस क्वेश्चन के बाद हम अपनी क्लास ये खत्म करेंगे, तो जल्दी करें सभी लोग। हाँ जी, वेरी गुड, चलो 30 सेकंड और हैं। दो लोगों का आंसर आना बाकी है, दो स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है, बाकी सबका आ चुका है आंसर, वेरी गुड। एक स्टूडेंट का और आंसर आना बाकी है, चलो सबका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, ऊपर भी दशमलव के बाद दो अंक हैं और नीचे भी दशमलव के बाद दो अंक हैं, तो मैं आसानी से, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है, तो मैं दशमलव से दशमलव आराम से काट दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, ये बन गया मेरा 864/24। अब 864 को 24 से भाग करना है, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। पहले मैं इसको किससे भाग करके देखता हूं, 4 से हो जाएगा। ठीक है, 4 6 24, 4 2 8 और
चार एकम चार, चार छह चौबीस, ठीक है। अब किससे होगा ये, छह से, 216 छह से भाग हो जाएगा आराम से, ठीक है। 216 को जब आप छह से भाग करोगे तो छह तीन 18 और 11 में से 8 गया 3 बचा, यहां से 6 लिखा और 6 छिंग 36, तो हमारा आंसर क्या आया 36, 36 ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके चलिए, तो किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। ओके तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, होमवर्क और लिख लीजिए आप, है ना, कुछ क्वेश्चंस कर लेना, मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपको करना है 4.67 की गुणा करनी है 1000 में, दूसरा क्वेश्चन 4.67 को भाग करना है 10 से, तीसरा क्वेश्चन 15.95 गुणा 2.4, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है 15.95 बटे 1000, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको करना है 21.6 बटे 0.6, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, ये आप लोग करेंगे। ओके इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब जिनके कोई डाउट है वो रुक जाए, बाकी आप लोग जा सकते हैं।